नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा और जिनसी न्यूज में आपका स्वागत है। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में आ रहे बदलाव हैरान परेशान कर रहे हैं। कहीं बेमौसम बारिश, कहीं भयानक गर्मी, तो कहीं बेहद ठंड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, पर ये क्यों हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश कभी भी कहीं भी और कितनी भी भयंकर हो सकती है, बाढ़ की तबाही, भूकंप और समुद्री तूफान की खबरें अब आम हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बारे में हम बरसों से पढ़ रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। मौसम में असमय बदलाव या जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान है। पिछले 26 सालों से इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं। इसी 31 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक ग्लासगो में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन इन बड़े सम्मेलनों से कोई फायदा नजर नहीं आता। ये महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जीवन शैली बदलने को कोई तैयार नहीं है और आधुनिकता और तथाकथित विकास की दौड़ में विकसित देश पर्यावरण की चिंता किए बगैर बेइंतहा कार्बन उत्सर्जन कर। आखिर ये जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज है क्या? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अचानक मौसम में परिवर्तन आ जाना, फसल के नियमित क्रम में बड़े बदलाव आना, कम संख्या में उपलब्ध वन्य जीवों और पेड़ पौधों का लुप्त हो जाना, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र के सतह में जल के स्तर की निरंतर वृद्धि जलवायु परिवर्तन के खास संकेत। क्लाइमेट चेंज के पीछे कोई एक वजह नहीं है जिसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते प्रभाव को सबसे मुख्य कारण समझा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल हैं, मगर एक संतुलन से अधिक मात्रा में होने के कारण ये कई समस्याओं को जन्म दे देता है, जिसमें तापमान में बढ़ोतरी मुख्य है, जिन्हें आम बोलचाल में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का अहम कारण। जलवायु में बदलाव का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं हम भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पिछले कुछ दशकों के दौरान मानवीय गतिविधियों ने इस बदलाव में प्रमुख योगदान दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो यह सुरक्षित रहेगा। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और पृथ्वी पर एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए हमें मानव व्यवहार और जीवन शैली को नियंत्रित करने की जरूरत है, और जाहिर है इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। धन्यवाद। जिम्सी न्यूज के लिए मैं आंचल।